नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के तहत जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु एनसीसी कैंडिडेटों के द्वारा चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के बाद जिला मुख्यालय सभागार में तमाम एनसीसी कैंडिडेटों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने हेतु एनसीसी कैंडिडेटों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और इस कारण उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तमाम 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं से अपील की है कि वह अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है, वह अगले 27 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाना ही जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमारे ये जिले में जमशेदपुर में हम लोगों ने जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के, उनके साथ मिलकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया है। इसमें सभी कैडेट्स ने, यंग कैडेट्स ने काफ़ी सार्थक भूमिका निभाई है। उनको इलेक्शन संबंधित जानकारी भी दी गई, उनको उनके वोटिंग राइट्स के बारे में भी अवेयर किया गया। और जितने भी कैडेट्स 18 साल के से ऊपर हो चुके हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी कारणवश अभी तक नहीं बन पाया, उन लोगों ने फॉर्म 6 भी भरना चालू कर दिया है। स्वीप कोषांग के सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने कैडेट्स के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी कराई हैं और सभी कैडेट्स ने ये प्रण भी लिया है, शपथ भी लिया है कि वो ना सिर्फ अपना वोट देंगे अपितु एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के जैसा वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए जितने भी दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको भी अपने अपने बूथ पर लाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। लोग सर कैडेट्स हैं या जो भी हमारे NSS NYK के सदस्य हैं, निश्चित तौर पे जो भी अपने अपने जगहों पे वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होकर वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों की यही कोशिश है कि जो भी हमारे अर्बन मतदाता हैं, उनसे विशेष अपील है आपके माध्यम से भी कि पूरा जिला उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में बहुत मेहनत कर रहा है कि हम लोग अपना जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अच्छा इजाफा कर सके। तो अगर किसी कारणवश आपका वोटिंग वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो तुरंत इसकी जानकारी दें। 27 अप्रैल तक इसको हम लोग बना सकते हैं और अपना वोट जरूर दें 25 मई को, क्योंकि फर्क तो पड़ता है आपके हर एक वोट से। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।